हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रशांत शर्मा। जैसे कि हमारे बहुत सारे साथी परेशान थे, वो हमको लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर आचार संहिता लग गई, पुलिस भर्ती आ पाएगी नहीं आ पाएगी, या कौन कौन सी भर्तियां होंगी, शिक्षक भर्ती में क्या क्या हो रहा है, या फिर जिसके एग्ज़ाम हो गए हैं तैयारियां चालू होने वाली थी यानी नियुक्तियां मिलने वाली थी, उनको नियुक्तियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, या फिर जो जेल प्रहरी वाला पेपर है, MPTET वाला वर्ग 3 वाली भर्ती लगी हुई है, इनके एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, इन सब में चल के परेशान हो रहे थे। दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आचार संहिता लग गई है, सही बात है, आचार संहिता लगी है, और हर जगह अभी नहीं लगी है, वहीं विधानसभा में लगी है जहाँ चुनाव होने वाला है, लेकिन जब तक आचार संहिता रहेगी तब तक भर्ती तो नहीं आएगी। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि 2 मिनट में हम पढ़ के या 1-2 महीने में पढ़ के हम कुछ निकाल लेंगे। तो जब तक आचार संहिता लगी है, वहाँ मध्य प्रदेश शासन अपने चुनाव संपन्न करवा रही है, तब तक हम लोग अपनी तैयारी में लगातार जुड़े रहते हैं। जैसे ही चुनाव होंगे तो लगभग भर्तियाँ आनी तो शुरू होगी, क्योंकि लगभग 2017 से MP पुलिस आई नहीं है, हम लोग लगातार उसका वेट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन करते करते मामा जी ने चुनाव की घोषणा तय करवा दी और लगभग चुनाव होने लग रहे हैं, चुनाव आयोग जो घोषणा किया है। तो भर्ती तो लगभग होगी, पर अभी क्लियर नहीं हो रहा कि मतलब अब ये तो क्लियर है मतलब कि चुनाव आयोग के चुनाव के बाद भर्ती होगी, लेकिन उसके पहले हम तैयारी अपनी करती रहें, हम लोग आलस्य में ना बैठें कि भर्ती होगी नहीं होगी, ये संशय सब दिमाग से निकाल दें। भर्ती होनी है, आज नहीं तो कल होनी है। जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे भर्तियां लगभग लेने लगेंगी। जैसे आप देख रहे हैं कि ये उपचुनाव के मतलब डेट आने से पहले पहले ये दो नोटिफिकेशन आ चुके हैं, ग्रुप 3 वाला और ग्रुप 5 वाला, ये लगभग आ रहे हैं। और नई नई जानकारी आज शायद आर्मी टीचर के लिए वैकेंसी आ चुकी है। तो आप लोग तैयारी करते रहें, भर्तियां ज़रूर आएंगी। 2017 से MP पुलिस नहीं आई, तब तो MP पुलिस आएगी, साथ में MPSI भी आएगी। तो आप लोग तैयारी में बिल्कुल जुटे रहें, ये मान के ना बैठें कि आचार संहिता लग गई सर भर्ती आएगी कि नहीं आएगी कि क्या होगा। भर्ती आएगी, ज़रूर आएगी, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, मन को कंट्रोल करके रखिए, डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए, लगातार तैयारी करते रहिए, अपने सिलेबस को विस्तृत ढूंढ लीजिए, क्या सिलेबस है, कैसा कैसा सिलेबस है, क्या पेपर में आएगा। अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हैं लगभग फाइनल ईयर में ही हैं, तो आप SI की तैयारी कर सकते हैं आराम से। SI के हिसाब से जैसे सिलेबस में अपने 200 नंबर का पेपर आता है, आपको ये पता होगा, 200 नंबर में SI में आता है, जिसमें 100 नंबर का हमारा पूरा सही 70 नंबर की पूरी हिंदी रहती है, प्लस 30 नंबर की इंग्लिश रहती है, बाकी 100 नंबर में मिक्स क्वेश्चन रहते हैं। तो इसका विस्तृत सिलेबस देख सकते हैं, फिर इसका विस्तृत सिलेबस मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उसे आप आराम से देख सकते हैं। पूरे MP पुलिस का विस्तृत सिलेबस कैसे उसको निकालें एक बार में, कैसे तैयारी करें, कैसे SI की तैयारी करें, ये सब पूरा बनाएंगे वो हम पूरा विस्तृत सिलेबस के साथ। तो उसे आप देख सकते हैं आराम से, पूरे उसके सिलेबस का एकदम फिट रखें, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो PYQ हैं उसे पूरा सॉल्व करते रहें। MP पुलिस में भी ऐसे आपको सॉल्व करते रहें, ये बिल्कुल मत माने, पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसके पूरे मॉडल सेट पूरे निकाल लीजिए, अब तो मोबाइल से निकाल आते हैं, डाउनलोड करके रख लें, कम से कम एक प्रैक्टिस सेट रोज हल करें और तैयारी अच्छे से खींच के करते रहें। 2-2.5 महीने जितने दिन का भी समय है, खींच के तैयारी करें, बिल्कुल लापरवाही ना करें, ना ये मान के चलें कि आचार संहिता लग गई है तो भर्ती नहीं आएगी, ये मुख्यमंत्री जी का मूड है, जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है वैसे ही वो भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, लेकिन हम तभी मानेंगे जब नोटिफिकेशन हमको व्यापम के साइड में दिख जाएगा, तो वो तो बात की बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि नोटिफिकेशन आएगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि व्यापम यानी PEB ने अपने नोटिफिकेशन जारी किया, 15 दिन तक फॉर्म भरवाएगी, 15 दिन बाद एग्ज़ाम लेना शुरू कर देती है। तो इस हिसाब से ऐसा तैयारी करके रखें, एकदम अपने कहने ये कह सकते हैं कि अगर अपने एकदम कुल्हाड़ी को तेज़ रखिए, मौका मिले कि तुरंत कट जाए, ऐसा नहीं कि जब वो नोटिफिकेशन दे देगा, एग्जाम की डेट की घोषणा कर देगा तब हम तैयारी करना शुरू करेंगे, अभी आलस्य में सो रहे हैं पूरा दिन आराम से, ऐसा ना करें बिल्कुल, नहीं आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा ये। अभी से एकदम तैयारी में जुटे रहें, जैसे जैसे मतलब ये चुनाव नियरेस्ट आते जाएंगे, चुनाव होगा लगभग नवंबर दिसंबर तक ये सब कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट दिसंबर तक हो जाएगा या जनवरी तक, लगभग आधी जनवरी मान लीजिए अभी, क्योंकि अभी तो थोड़ी बहुत आगे पीछे खिसक जाता है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको लगभग 1-1.5 महीने का समय होगा, तो उसमें आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं जल्दी जल्दी में, फिर उतना विस्तृत सिलेबस नहीं कर पाएगा, क्योंकि लगातार PEB जानते हैं आपकी ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, और ऑनलाइन एग्जाम में कई सेट पेपर बन जाते हैं, तो उसमें से ये हमको पता नहीं चल पाता कि कहाँ से पेपर आ जाएगा, कौन से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, कभी कभार 1-2-4 क्वेश्चन सिलेबस से बाहर भी आ जाते हैं, और लगभग अब डीपली पूछा जाता है, जैसे अब डायरेक्टली पहले पढ़ लिया करते थे कि भाई उसकी खोज कौन किया, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पहले राज्यपाल कौन थे, अब लगभग ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, वो घुमा देता है कि जब ये वाली घटना घटी तब कौन सा राष्ट्रपति थे, जब ये वाली घटना घटी तो राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री साहब कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, अब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पूरा उसको डीपली अध्ययन करें, सिलेबस हर सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ
मैथ हो, आपकी साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करके रखें अभी से, और इतना प्रैक्टिस कर लें कि चाहे मामा जी कभी भी नोटिफिकेशन दे दे, कभी भी एग्ज़ाम ले लें, हम एकदम फिट बैठे हैं। बस जैसे ही एग्ज़ाम आएंगे हम तुरंत बैठ के उसको फाइट कर देंगे। तो ऐसा ये बिल्कुल मान के मत चलें कि भर्तियाँ नहीं आएंगी। हाँ, ये बात है कि लगभग जब आचार संहिता लगी हुई है, भले ही उसी जगह पे लगी है जहाँ पे चुनाव होने हैं, पर लगभग मामा जी भी व्यस्त रहेंगे, भर्तियाँ तब तक नहीं आएंगी। तो हम ये अपने लिए एक मौका मान सकते हैं कि हमको एक अच्छा मौका मिला है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता हम अपनी पूरी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं। तो ये चीज़ मान के ना चलें, अपने तैयारी में लगे रहें, भर्ती ज़रूर आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि भाई हमको 1.5 से 2 महीने का समय और मिल गया पढ़ने के लिए, हम अच्छे से रिवाइज कर लें, अच्छे से पूरा एकदम विधिवत नोट्स बना लें, विधिवत उसको पढ़ते रहें, अच्छे से एकदम फिट कर लें, तो और तैयारी में एकदम अपने बिल्कुल लगे रहें। ये बिल्कुल न माने कि ऐसा नहीं होगा, नोटिफिकेशन लगातार आ रहे हैं, तब तक आपके लिए अगर ये नहीं आ रही तब तक ग्रुप 5 आ चुकी है, उसके एग्जाम तो होंगे ही होंगे। जैसे ही यदि फॉर्म भरे जाते हैं तो एग्जाम तो लेना तय है, थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन एग्जाम होगा। ग्रुप 3 चालू हुआ है, आर्मी टीचर है, लगभग सभी भर्तियां हैं, सबके लिए तैयारी बनाते रखें, एकदम फिट बना के रखें उसको तैयारी को, जैसे हमको मौका मिलेगा पेपर बैठने का। अब बस ये मान के चलें कि जैसे लॉकडाउन के बाद हम जिस पेपर में बैठेंगे उसको हम बिल्कुल फाइट कर देंगे। ऐसा उसमें नहीं होगा कि हमारा फिर से नॉट क्वालिफाई आएगा, डिसक्वालीफाई आएगा और हम फिर से डिमोटिवेट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल मान के चलें। आप एकदम टारगेट में रखें, लगभग अपनी जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, ये लगभग हर साइंस है, ये लगभग कॉमन है, हर चीज़ में कॉमन होती, एकदम इसको फिट करके रखें, मजबूत करके रखें। जैसे हमको पेपर में बैठने का मौका मिलता है तो हम फाइट कर लेंगे, इसको बिल्कुल खींच के सबके पास शेयर करें, क्योंकि हमारे पास अभी उतने सब्सक्राइबर भी नहीं है कि हम ये हर वीडियो को 1 सेकंड में सबके पास फैला दें, या सब लोग 1 सेकंड में हमारे वीडियो को पहुँच जाएँ। तो सबको भेजें और सबको इसको जानकारी को इकट्ठा करें, और ये जानकारी मतलब लेके रखें कि एग्ज़ाम लगभग होंगे, और तब तक हम उसे डिमोटिवेट ना हो कि अरे बाप रे ऐसा हो गया और रोते बैठे रहें कि भर्ती नहीं आएगी, अब क्या हो गया। भर्ती ज़रूर आएगी, थोड़ा सा लेट ज़रूर आएगी लेकिन भर्ती होगी, मामा जी भर्ती ज़रूर करेंगे। अब चुनाव में थोड़ा सा व्यस्त रहेंगे, उसके बाद आएंगे। तो इसको खींच के सबको शेयर करें, लाइक करें, खींच के लाइक करें, ये आपका काम है। हम आपको जानकारी दे रहे हैं, लगभग चाहे किसी भी क्लास से संबंधित हो, चाहे वो कंपटीशन से एग्जाम से, चाहे स्कूल लेवल हो, कॉलेज लेवल हो, हम आपको पूरी जानकारी पहुंचाएंगे, पूरा तैयार करवाएंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, और सबको जो आपके रिलेशन में हो, जो आपके संपर्क में हो, उसको मोटिवेट करें कि वो लगातार अपने अध्ययन को शुरू रखें, जैसे ही भर्ती आएगी फाइट कर लेंगे। धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर करें इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए।